Hello, Bacho. Let's read this question. The circulation which provides nutrients, oxygen, and essential substances to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away for elimination is. तो वो circulation पूछ रहे हैं जो आपके tissues और organs को essential substance और oxygen की supply करता है, वहां पर जो metabolic processes के वजह से carbon dioxide बन रहा है उसको वहां से लेकर eliminate करने में help करता है. ठीक है, वो कौन सा circulation है? Systemic circulation, pulmonary circulation, double circulation, अलग चीज. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना दो सर्कुलेशन की, जब डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं? सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं. पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हैं? जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा कैसा ब्लड लेकर आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेकर जा रहा है? ब्लड को लेकर जा रही है पल्मोनरी आर्टरी. और कहाँ लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास ले जाया जाता है. ठीक है, फिर लंग्स से आपकी पल्मोनरी वेन जो होती है, पल्मोनरी वेन लंग से कैसा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में डाल देती है. ठीक है, फिर इसके बाद आप देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को एओर्टा में भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड एओर्टा में जाएगा, सेमिलोनर वॉल्व ओपन होगी तब ब्लड एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से फिर डिफरेंट बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के पास, बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, यहाँ पर लिख देते हैं वेना कैवा, कहाँ लेकर आती है? राइट एट्रियम. ठीक है, ये आपका हो जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये आपका हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके, तो कौन सा सर्कुलेशन है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है आपके टिश्यूज को और उनसे वेस्ट को ले रहा है? तो आपने देखा यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो सिर्फ कितना होता है, लंग्स तक जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होता है और एट्रियम में डाल दिया जाता है. अब एट्रियम से वेंट्रिकल में आया लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा को दिया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ गया? बॉडी एंड टिश्यू के पास, एसेंशियल सब्सटेंसेस को पहुंचाया बॉडी और टिश्यू के पास, और जो बॉडी और टिश्यू में मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे थे उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ डाल दिया? राइट एट्रियम में. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन ए. पल्मोनरी सर्कुलेशन इनकरेक्ट है, डबल सर्कुलेशन इनकरेक्ट है, नॉन ऑफ दीज बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 201 पर गिवन है. थैंक